नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। खेती किसानी करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर, 50% सब्सिडी पर मिल रहा उच्च क्वालिटी का बीज। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत उत्तराखंड के किसान इसका लाभ भी ले रहे हैं। इसके तहत उत्तराखंड कृषि विभाग खरीफ फसल 2023-24 के लिए किसानों के लिए बीज आवंटित किया है, जहां किसान 50% की सब्सिडी पर उच्च क्वालिटी के प्रमाणित बीज खरीद सकेंगे। बारिश ने थामी रोडवेज बसों की रफ्तार, रोजाना हो रहा लाखों का घाटा। मानसून से पहले बारिश ने दस्तक दे दी है। बारिश और आंधी तूफान के चलते रोडवेज को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते सड़कों पर यात्रियों की कमी देखी जा रही है, जिससे रोडवेज की बसों की रफ्तार पर लगाम लग गई है। रोडवेज ने अपने कई रूटों पर बसों के संचालन में कटौती की है। केंद्र रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बीआरओ के कार्यों की जमकर की तारीफ। बॉर्डर टूरिज्म को बताया मील का पत्थर। केंद्र रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सीमा पर विषम भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद रोड के निर्माण करने पर बीआरओ की जमकर तारीफ की। कहा कि बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी बीआरओ आगे आकर कार्य कर रहा है। फ्री जांच और इलाज के फॉर्मूले से हेल्थ केयर गुरु बना हिमाचल, उत्तराखंड को भी सीखने की जरूरत। हेल्थ केयर मामले में हिमाचल काफी आगे है। हिमाचल में पिछले 1 साल से निशुल्क जांच की सुविधा मरीजों को दी जा रही है, जबकि उत्तराखंड में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। उत्तराखंड में अटल आयुष्मान के जरिए ही निशुल्क जांच इलाज होता है। ऐसे में हेल्थ केयर के मामले में उत्तराखंड को हिमाचल से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। में आपको नहीं मिल रहा खेवन हार से हताश केजरीवाल ने किया सरेंडर। पहाड़ पर धमाकेदार एंटी के साथ उतरने वाली आम आदमी पार्टी के चुनाव के परिणामों ने जैसे ही हवा निकाल दी है। हालत यह है कि राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पिछले करीब 1 साल में पार्टी को अपना नया खेवन हार ही नहीं मिल पा रहा। नतीजतन राज्य में प्रदेश अध्यक्ष जैसा अहम पद लंबे समय से खाली पड़ा है। यमुनोत्री हाईवे पर होटल में ठहरी महिला से टकराया चीड़ का पेड़, मौके पर ही मौत। उत्तरकाशी के खरादी में आंधी और बारिश से एक महिला के लिए मौत बनकर आई। यहाँ एक महिला अपने बहू के साथ होटल में ठहरी थी, तभी एक चीड़ का पेड़ गिर गया और होटल के रिसेप्शन को तोड़कर सीधे कमरे में जा घुसा। इतना ही नहीं, पेड़ सीधे कमरे में ठहरी महिला के सीने से जा लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रामनगर में स्टोन क्रशर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। राज्य सरकार और UKPCB से मांगा जवाब। रामनगर के पापड़ी गांव में लगाए जा रहे स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैदानिक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने फिलहाल स्टोन क्रशर पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही मामले में राज्य सरकार और उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 4 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। उत्तराखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस ने पकड़ी रफ्तार, रेल मंत्री और अजय भट्ट ने की जमकर तारीफ। उत्तराखंड को कल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली देहरादून रूट पर चलेगी। पीएम मोदी ने वर्चुअली दिल्ली देहरादून रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 5-6 जून को गैरसैंण में आयोजित होगा बाल विधानसभा का दूसरा सत्र। 5 और 6 जून को बाल विधानसभा 2022 के दूसरे सत्र का आयोजन गैरसैंण के भराणीसैंण विधानसभा परिसर में किया जाना है। इस बाल विधानसभा सत्र के आखिरी दिन यानी 6 जून को खुद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी मुख्य अतिथि के तौर पर सत्र में भाग लेंगी। वह इस दौरान विधानसभा सत्र संचालन और विधायी कार्यों से संबंधित जानकारी बाल विधायकों के साथ साझा करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की भावी पीढ़ी को देश के संविधान, विधायी कार्यों और प्रदेश के विकास के प्रति ननिहालों को जागरूक करना है। गंगोली हाट में गुलदार के हमले में घायल बच्चे ने दौड़ा दम, बिलख रहे माता और पिता। उत्तराखंड में गुलदार आतंक का दूसरा नाम बन गया है। प्रदेश के हर इलाके में गुलदारों की दहशत है। पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट इलाके में घर पर खेल रहे बच्चे को गुलदार उठा ले गया। ग्रामीण गुलदार के पीछे भागे तो घर से 50 मीटर दूरी पर वो बच्चे को छोड़कर भाग गया। प्राथमिक इलाज के बाद बच्चे को हर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। बद्रीनाथ हाईवे पर पलटे महाराष्ट्र के यात्रियों से भरी बस, 11 लोग गंभीर रूप से घायल। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर 3 यात्रियों से भरी एक बस पलट गई, जिसमें 11 तीर्थयात्री घायल हो गए, जिन्हें बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती करवाया गया। बस में महाराष्ट्र के तीर्थयात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि बस रुद्रप्रयाग से हरिद्वार जा रही थी। रामनगर में जंगल किनारे मिले कई बंदरों के शव, वन विभाग में बचा हड़कंप। रामनगर में बाल सुंदरी मंदिर के पास जंगल किनारे बंदरों के शव मिलने से वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आशंका है कि किसी ने खाने में विषाक्त पदार्थ मिलाकर बंदरों को खिला दिया होगा, जिससे उनकी मौत हो गई। बंदरों की मौत की खबर मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला। बोर्ड में छात्रों ने दिखाया दम, लगन, कठिन परिश्रम से हासिल की सफलता, सीएम धामी ने दी बधाई। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2023 कल घोषित हो चुका है। 10वीं के परिणाम में टिहरी गढ़वाल के सुशांत चंद्रवंशी ने पहला स्थान हासिल कर सफलता का परचम लहराया है। वहीं 12वीं में उधम सिंह नगर की तनु चौहान ने 97.60% अंक प्राप्त कर नंबर 1 रैंक हासिल किए। वहीं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज थराली के 2 छात्रों ने भी 10वीं में प्रदेश स्तर पर 6वां और 7वां स्थान प्राप्त कर पूरी पिंडर घाटी का नाम रोशन किया है। बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले समस्त विद्यार्थियों को सीएम धामी ने बधाई दी। गुरुद्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर ने नदी में लगाई छलांग। जीबी पंत इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर ने अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी, जिसका स्थानीय शख्स और पुलिस ने रेस्क्यू किया, जिससे उसकी जान बच पाई। महिला को बेस अस्पताल शिकोट में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल महिला खतरे से बाहर है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में छह एनआईटी उत्तराखंड के 5 छात्र संस्थान में खुशी की लहर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड के 5 छात्रों ने संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफलता हासिल की, जिसमें मीनाक्षी आर्य, देवव्रत जोशी, आदित्य दोहर, विपिन दुबे और मानिया वर्मा शामिल है। छात्रों की यूपीएससी में परचम लहराने पर एनआईटी उत्तराखंड के विभागाध्यक्षों का सीना गर्व से फूल गया है। विकासनगर में हाट बाजार कारोबारियों से अवैध वसूली का मामला, हाईकोर्ट ने एसएचओ से मांगी जाँच रिपोर्ट। विकासनगर में हाट बाजार कारोबारी से अवैध वसूली के मामले में हाईकोर्ट ने एसएचओ से जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। अब विकासनगर एसएचओ को 28 जून तक कोर्ट में पेश करने होंगे पूरा मामला। विकासनगर में हाट बाजार व्यवसायियों से अवैध वसूली से जुड़ा है। यूके बोर्ड रिजल्ट 2023। दसवीं बोर्ड में आयुष ने हासिल की दूसरी रैंक। शिल्पी ने भी किया शानदार प्रदर्शन। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2023 में ऋषिकेश के आयुष रावत और टेरी की शिल्पी बिस ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आयुष के पिता बस कंडक्टर हैं, जबकि शिल्पी के पिता मोमोज की दुकान चलाते हैं। बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर दर्द की चट्टान चपेट में आए दो वाहन। केदारनाथ में बर्फबारी जारी। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर साफ देखा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह पहाड़ियां दरकनी शुरू हो गई हैं। गुरुवार सुबह रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के निकट बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान दरक गई और चट्टान दरकने से गिरे बोल्डरों की चपेट में दो वाहन आकर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत ये रही कि चट्टान टूटने के दौरान वाहन के अंदर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।